हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किस तरीके से हम लोग टेबल के स्टाइल को चेंज करते हैं। दोस्तों, टेबल के स्टाइल को चेंज करने के लिए सबसे पहले देखिए, हमारे पास एक सैम्पल टेबल है। तो हमें सबसे पहले सेलेक्ट करना है टेबल को और क्लिक करना है डिज़ाइन टैब में। अब ये डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब, ये टेबल टूल्स हैं जो कि तभी अपीयर होता है जब आप किसी टेबल को सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद आप क्लिक करिए डिज़ाइन में, और आपको यहाँ पे दो स्टाइल ऑप्शन दिख जाता है, टेबल स्टाइल ऑप्शन और एक टेबल स्टाइल। टेबल स्टाइल में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास लाइट, मीडियम और डार्क ऑप्शन पे कलर थीम्स मिल जाता है। आप किसी को भी सेलेक्ट करके अलग से आप यहाँ पे शेडिंग्स ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो कोई भी शेडिंग नहीं ऐड करें, या फिर आप मोर शेडिंग में क्लिक करके और भी ज़्यादा कलर्स के ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। कस्टम में क्लिक करके आप यहाँ पे RGB कलर्स या कलर कोड ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपके पास यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन दिख जाता है। आप एडिशनल पिक्चर ऐड कर सकते हैं अपने टेबल के बैकग्राउंड के लिए, या फिर आप यहाँ पे टेक्सचर भी ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। फिर दोस्तों, आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे बॉर्डर का, तो आप ये बॉर्डर्स को अप्लाई कर सकते हैं, ऑल बॉर्डर्स। पर उससे पहले आपको ये सारे सेल्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद ऑल बॉर्डर में क्लिक करें, या फिर आपको जैसा भी बॉर्डर यहाँ पे चाहिए आप सेलेक्ट करें और ये अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स ऐड करना है तो यहाँ पे इफेक्ट्स आ जाता है हमारा, ये है सेल पेवेंट इफेक्ट। आप चाहे तो मल्टीपल इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे ये मैंने रिफ्लेक्शन भी ऐड कर दिया। तो इस तरीके से दोस्तों, आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में टेबल स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। If you really like the content, then please like the video and click subscribe to see more videos like this. And you can visit mahagurus.com to see lots of other software courses. Thank you.